वेलकम टू टारगेट विद एसएएच। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके फॉर्म जो भरे थे उसका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आउट हो गया है। और आप लोग उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पीटी का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, तो इसको कैसे चेक करेंगे? और अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं, और चाहे तो लैपटॉप या कंप्यूटर से भी चेक कर सकते हैं। तो मोबाइल से कैसे चेक करना है मैं आप लोगों को बता देता हूं इस वीडियो में, और बाकी आप लोग मोबाइल से या कंप्यूटर से या लैपटॉप से जिससे चाहें वैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप लोग UPSSC की वेबसाइट खोलेंगे तो आप लोगों के सामने ये ऐसा खुल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब आप लोगों को क्या करना है, मोबाइल से ही मैं बता रहा हूँ। तो मोबाइल में ये जो आप लोग गूगल क्रोम पे जब ये खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ये 3 डॉट वाला निशान दिखाई पड़ेगा सबसे ऊपर, ये वाला। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे, ये ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें एक ऑप्शन ये दिया रहेगा डेस्कटॉप साइट, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये बॉक्स बना हुआ है तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह से खुल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आसान रहेगा आप लोगों को चेक करने के लिए। फिर जब इस तरह से खुल के आ जाएगी वेबसाइट तो आप लोगों को यहाँ पे चेक क्लिक करना है नो योर स्टेटस। ठीक है, तो जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे नो योर स्टेटस पे तब कुछ इस तरह से ये खुल के आ जाएगा आप लोगों के सामने, ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस ये सब कुछ खुल के आ जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगी जाएगी आप लोगों से वो आप लोग फिल कर देना, एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, एक डेट ऑफ बर्थ, और दूसरा जेंडर, और तीसरा मतलब एक तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, और नेक्स्ट है ये इंटर वेरीफिकेशन कोड। तो यहाँ पे ये जो वेरिफिकेशन कोड दिया गया है मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये वहाँ पे दिया जाएगा, ये कोई सा भी दिया गया हो तो वो यहाँ पे भर देना है। और अगर और इसके बाद आप लोगों को सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों का एप्लीकेशन स्टेटस जो है खुल के आ जाएगा। और कैसा खुल के आएगा मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं, लेकिन आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात यहां पे बता दूं कि अगर आप लोगों का एप्लीकेशन स्टेटस नहीं खुल के आ रहा है तो आप लोग इस पर क्लिक करना, ये जो रेड ऐसे निशान बना हुआ है ना इस पर क्लिक करना आप लोग, और ये जो है ये कैप्चा कोड जो है ये चेंज हो जाएगा, फिर जो नया कैप्चा कोड आएगा वो यहाँ पे भर देना। फिर जब आप लोग सबमिट करेंगे तो आप लोगों का एप्लीकेशन स्टेटस जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन स्टेटस है एक, तो देख सकते हैं यहाँ पे फोटो लगी रहेगी, मैंने यहाँ पे ब्लर कर दी, यहाँ पे डेट एंड टाइम दिया रहेगा। इसके अलावा जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आईडी है आप लोगों की वो यहाँ पे लिखी रहेगी, इसके अलावा नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे लिखा रहेगा, और यहाँ पे फादर या हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी रहेगी। इसके अलावा जो करंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन है आप लोगों का यहाँ पे लिखा होगा एक्सेप्टेड, और एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड, तो ये अगर आप लोगों का स्टेटस लिख के आ रहा है एक्सेप्टेड तो ये बिल्कुल सही है, आप लोगों का फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो चुका है। और डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इतना ये सब लिख के आ जाएगा, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पे यहाँ से क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे पूरी बात, और एक बार इसको ज़रूर चेक कर लीजिए, अगर एक्सेप्ट हो चुका है तो बिल्कुल सही है, और आप लोग तैयारी करते रहिए अपनी पीटी एग्ज़ाम के लिए। और अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, कोई कमी रह गई है, तो आप लोग आयोग में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर कुछ हो सकता है तो वहीं से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अब वैसे डेट कोई दी नहीं जाएगी मॉडिफिकेशन के लिए, तो जो भी कमी रह गई है तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, अगर किसी का बाई चांस एक्सेप्ट नहीं होता है तो आयोग में जाके कांटेक्ट करके और उसे संभाल सकता है, अगर आयोग की मर्जी होगी तो वो संभाल देगा, आप लोगों का हेल्प कर देगा, नहीं तो आप जैसा आयोग चाहेगा वैसा होगा। तो बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पर बारिश हो रही है, इस वजह से कोई अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए आप लोग
ध्यान मत दीजिए, और जो मैंने बात बताई है इसको आप लोग जरूर कर लीजिए। एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस है जो पीटी का, उसको जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार।